आप सभी दोस्तों को गजरी की व्रत की शुभकामनाओं के साथ मेरा प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों, इस पोस्ट में आपके लिए लेकर आए हैं कजरी तीज की पूजन सामग्री। कजरी तीज 2 सितंबर 2023 को मनाई जाएगी। हर साल भादुर तट माह की कृष्ण पक्ष की तृतीया तिथि पर कजरी तीज का व्रत रखा जाता है। ये सुहाग पर सुहागिन महिलाओं के लिए बहुत महत्व रखता है। पौराणिक मान्यता के अनुसार कजरी तीज पर महिलाएं सुहाग की सलामती, उन्नति और खुशहाली के लिए निर्जला व्रत करती हैं। शिव पार्वती तीज माता नीमली माता का पूजन और शाम को चंद्रमा को अर्घ देने के बाद व्रत का पालन किया जाता है। वहीं कुंवारी लड़कियां अच्छे व्रत की प्राप्ति के लिए ये व्रत रखती हैं। कजरी तीज की पूजा में कोई अवरोध ना आए, इसके लिए अभी से सारी सामग्री इकट्ठा कर लें। आइए जानते हैं कजरी तीज व्रत की पूजा सामग्री। कजरी तीज की पूजा के लिए शंकर भगवान और माता पार्वती की एक तस्वीर, नीम की डाली, तीज माता की तस्वीर, पूजा की चौकी, मिट्टी, दूध, जल, धूप, केले के पत्ते, बेलपत्र, कुमकुम, हल्दी, काजल, मेहंदी, रोली, धतूरा, जनेऊ, सुपारी, नारियल, अक्षत, कलश, दूर्वा, घी, चंदन, गुड़, शहद, पंचामृत, मिश्री, नाक की नथ, गाय का कच्चा दूध, अबीर, गुलाल, वस्त्र, नींबू, गेहूं, इत्र, फूल, दीपक, इस दिन चने की दाल, शक्कर, घी मिलाकर सातु जरूर बनाएं। इसके बिना पूजा अधूरी है, इसे जरूर शामिल करें। और इसके साथ ही इस दिन माता पार्वती को सुहाग का सामान अर्पित करने के लिए एक हरे रंग की साड़ी, चुनरी और 16 श्रृंगार से जुड़े सुहाग के सामान, इसमें सिंदूर, बिंदी, चूड़ियां, महोर, कुमकुम, कंघी, बिछुआ, मेहंदी, दर्पण और इत्र जैसी सुहाग की चीज़ों को जरूर रखना चाहिए। तो ये थी कजरी तीज व्रत की सामग्री और इसमें सातु को जरूर शामिल करें और मुझे इस पोस्ट से आज्ञा दें और स्वीकार करें मेरा प्यार भरा नमस्कार। नमस्कार।